कैसे हो, अगर आप बीटेक सिविल इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्चर हो या फिर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। जब भी हम पेपर बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद में या फिर हम ब्रिकवर्क मोटा आरसीसी का वर्क करवाने के बाद में 12 घंटे के बाद में हम वहां पर तराई क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। और यह क्यूरिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस साइट पे होता है? अगर हम क्यूरिंग ना करें तो हमारी बिल्डिंग में क्या डिसएडवांटेज होगी, और क्यूरिंग करने पर क्या एडवांटेज होगी, आज यही टॉपिक हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यूरिंग और तराई क्या होती है? तो गाइस, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हैं या फिर बीटेक एमटेक होल्डर हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस, डिस्कस करते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग हम जब हमारी बिल्डिंग बनती है तो हम एक दिन में, वन डे में 4 से लेकर 5 टाइम्स तक क्यूरिंग करते हैं। सपोज दैट पहली हम फर्स्ट टाइम हमने क्यूरिंग करी 7 बजे मॉर्निंग में हमने क्यूरिंग करी, उसके 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे बाद में हमें उस जगह पर फिर दोबारा क्यूरिंग करनी चाहिए। हमें एक दिन में 5 से लेकर 6 बार तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए, 4 to 7 times हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। और यह क्यूरिंग कितने दिनों तक करनी चाहिए? यह क्यूरिंग हमें 14 to 20 days तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए, 14 से लेकर 20 दिन तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। 14 से लेकर 20 दिन तक हम क्यूरिंग क्यों करते हैं? 14 से लेकर 20 दिन तक हम क्यूरिंग करते हैं, जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उसमें हम M25, M30, M35 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है 7 days 65%, 14 days 90%, 28 days 99% स्ट्रेंथ अचीव होती है। इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। सपोज दैट प्लास्टर में, जहां पे हमारा प्लास्टर होता है वहां पे हमें 14 to 20 days क्यूरिंग करनी चाहिए, 14 से लेकर 20 दिन तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। अगर हम प्लास्टर में 14 से 20 दिन तक क्यूरिंग कर रहे हैं तो आपका प्लास्टर इतनी जल्दी छड़ेगा नहीं। आपने कई जगह आपने देखा होगा बिल्डिंग का प्लास्टर झड़ने लगता है, उसका यही रीजन होता है, बिल्डिंग का प्लास्टर का झड़ने के लिए वहां पे क्यूरिंग नहीं करते हैं। क्यूरिंग ना होने की वजह से प्लास्टर झड़ता है। और प्लास्टर झड़ने का दूसरा भी रीजन हो सकता है मटेरियल की प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग ना होना। और उसका एक और रीजन हो सकता है प्लास्टर का जो रेशो होता है, प्लास्टर रेशो आउटर होता है, आउटर 1:3 होता है और इनर होता है 1:4। आउटर में 1:3 होता है, इनर में 1:4 होता है। आउटर में जो रेशो होता है वह हमारा होता है सीमेंट 1 kg सीमेंट, 3 kg फाइन सैंड में होता है हमारा, फाइन सैंड में होता है डस्ट 1 kg डस्ट
वन केजी डस्ट और होता है टू केजी सैंड, टू केजी यमुना सैंड, यमुना सैंड जहां पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस साइड पे हमारा तराजू नहीं होता है, वहां पे हम जो हमारे मेजरमेंट्स जो तसले होते हैं, उन तसलों में से एक तसला हमारा सीमेंट होता है, एक तसला डस्ट होता है और दो तसले यमुना सैंड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल बनाते हैं। ऐसा ही मटेरियल जब हम अंदर प्लास्टर करते हैं तो 1:4 का रेशो लेते हैं। तो जब भी हम कहीं पर बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से तराई करनी चाहिए। और दूसरा पर्पस यह होता है तराई करने का, जब भी हम कहीं पर मटेरियल बनाते हैं कंक्रीट का मोटा का, उस मटेरियल में हम सीमेंट यूज करते हैं। जब भी हम सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, लैम, एल्युमिनियम, क्ले, जिप्सम, एडमिक्चर, बहुत सारे कंपोनेंट्स गिर के यह हमारा सीमेंट बनता है। जब हमारा सीमेंट पानी के टच में आता है तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है सीमेंट में। सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो जहां पे हमारा आरसीसी स्लैब होती है, मोर्टार वर्क होता है, उसमें हमारे हेयर क्रैक्स या फिर क्रैक्स जनरेट होंगे। उन क्रैक्स को कम करने के लिए हम तराई करते हैं। आपने कहीं पर देखा होगा जब हमारी आरसीसी स्लैब कास्टिंग होती है तो आरसीसी स्लैब कास्टिंग के कंक्रीट में क्रैक्स या फिर कहीं पर दरारें आ जाती है, उसका यही पर्पस होता है। सीमेंट जब हमारा वाटर के कंटेंट में टच होता है तो सीमेंट में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी जनरेट होती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम उस पार्ट्स पर या फिर उस जगह पर हम तराई करते हैं। तो गाइस, अगर आप कहीं पर सिविल इंजीनियर हैं और आप बिल्डिंग का वर्क करवा रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है हमारा बिल्डिंग में पानी, क्यूरिंग। जब भी हम कहीं पर बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें वहां पर क्यूरिंग एक दिन में 5 से लेकर 7 बार तक हमें एक दिन में क्यूरिंग करनी चाहिए, और यह क्यूरिंग 14 से लेकर 20 दिन तक हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।